नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और लेकर आया हूं आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए एक नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। पंजाब के खड़ सन्नी इनक्लेव स्थित एरिया में गैंगस्टर और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। चंडीगढ़ में आज कोरोना के 23 मामले सामने, कोरोना की कुल संख्या 823 के पार। चंडीगढ़ जेजेपी कार्यालय में कोरोना की एंट्री, कुक मिला कोरोना पॉजिटिव। तांत्रिक के कहने पर पिता ने एक के बाद एक किए 5 बच्चों के कत्ल, पंचायत में कबूला। पंजाब में फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं रखना पड़ेगा भारी, 10,000 जुर्माना, कोरोना के 504 नए केस। जीरकपुर रोड पर हादसा, एक घायल, अवरुद्ध यातायात में एम्बुलेंस भी। नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम अमरिंदर सिंह को लिखा पत्र, कहा क्षेत्र में कोई नहीं हो रहा विकास। राजभवन में धरने पर बैठे गहलोत के समर्थक एमएलए, जमकर किया नारेबाजी। सीएम योगी आदित्यनाथ पुलिस से बेहद नाराज, कानपुर में एसीपी और सीओ सहित 10 पुलिसकर्मी निलंबित। कंगना के पास मनाली पहुंचा पुलिस का समन, बोली अभी नहीं आऊंगी। गुस्से में चीन ने ब्रिटेन को कहा बीच में ना आए, हम दोनों अपने आप निपट लेंगे। अब खबरें विस्तार से। कोविड-19 से जारी जंग में हरियाणा ने शुक्रवार को बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। प्रदेश की राजधानी से सटे पंचकुला में प्रदेश का 5वां प्लाज्मा सेंटर स्थापित कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शुक्रवार को इस सेंटर का उद्घाटन किया। सेंटर के उद्घाटन के साथ ही यहां प्लाज्मा दान करने का सिलसिला भी शुरू हो गया। राजीव कॉलोनी निवासी का एक दुकानदार ने पहले ही दिन प्लाज्मा दान किया। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। इस क्रम में पुलिस अब कंगना रनौत से जल्द ही पूछताछ करेगी। बता दें कि इससे पहले 3 जुलाई को बांद्रा पुलिस समन की एक कॉपी लेकर कंगना रनौत के खास जिमखाना स्थित घर पर पहुंची थी। अब कंगना ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि वह मनाली स्थित अपने घर पर मौजूद हैं और वर्तमान कोरोना हालातों के चलते बांद्रा पुलिस स्टेशन आकर बयान नहीं दे सकती है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के तेवर काफी सख्त हो गए हैं। कानपुर के बिकारू कांड के बाद लैब टेक्नीशियन के अपहरण व हत्या तथा गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या के मामले से सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज है। उनकी नाराजगी का असर कानपुर के एएसपी व सीओ सहित 10 पुलिसकर्मी के निलंबन के रूप में हुआ है। राजस्थान के सियासी संकट के बीच हाईकोर्ट के फैसले के बाद राजनीति हलचल तेज हो गई है। कोर्ट के इस फैसले के बाद सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई में विधायक और समर्थक राजभवन पहुंचे। विधायक राज्यपाल से मिलकर जल्द विधानसभा सत्र आहूति करने की मांग रखेंगे। इस दौरान राजभवन के बाहर कांग्रेस विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। जननायक जनता पार्टी के चंडीगढ़ कार्यालय में कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। जेजेपी कार्यालय का कुक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों व पदाधिकारियों का कोरोना टेस्ट कराया गया था, जिसमें केवल कुक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब 2 दिन के लिए जजपा के चंडीगढ़ कार्यालय को बंद कर दिया गया है। पंजाब में शारीरिक दूरी का पालन न करने वाले पर सख्ती बढ़ा दी है। सामाजिक समारोह में नियमों का पालन न करने पर अब 10,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने पर कोविड मरीजों को 5,000 रुपए जुर्माना कराया जाएगा। पहले यह 200 रुपए था, वर्तमान में 951 मरीज होम क्वारंटाइन में हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में नाहन शहर में लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाहन शहर में 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। शुक्रवार दोपहर को जारी मेडिकल बुलेटिन में यहां 13 नए केस मिले हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर लौटूंगा आपके लिए देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।